आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया महरोई अंतर्गत दो पक्षों में धारदार हथियार से खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी कमल सिंह राठौर, दीपक राठौर एवं उनके परिजनों के बीच जमीनी विवाद के कारण घटना के दौरान महिला पुरुष सहित बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि दो पक्षों में मारपीट विवाद के कारण महरोई निवासी कई लोगों को जिला अस्पताल लाया गया एवं सभी घायलों का उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि जिले के इन दिनों आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज महरोई ग्राम में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें पुलिस की कार्यवाही जारी है। पेश है उमरिया से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। गाली देके बोलते हैं कि फिर मार डालूंगा मेरे को, मेरे साथ वो करने में पड़ती है, मेरी टी शर्ट फटी, मुझे सब ऐसे पत्थर मारे, मैं कुछ नहीं मारा, फिर माँ को गाली दे बार बार सत्यानाश करते हैं, हमारी फैमिली बना कर हमारे यहाँ घर में आके घुसते हैं, बच्चे रहते हैं, जब हमारे यहाँ रिश्तेदारी में कुछ तो रहता है तो वहाँ हम चले जाते हैं, इसके बाद हम आते हैं, कोई ना कोई मतलब जरूर आते हैं, वहाँ पूरे दिन बना के आते हैं, पेंट कर है मतलब ये है। और मैं महरोई की रहने वाली हूँ सर। आज दोपहर में कमल, दीना और इनके लड़के सब रिश्तेदारों को बुला के और कुछ और खलेसर के कि कहाँ के हम नहीं पहचानते हैं सर, ये लोग दोपहर में घुस गए हैं हमारे घर में, तो जिनको जिनको पाए हैं तो मारे नहीं, लेडीजों को मारे गए कि हमको रोड में घसीले हैं, हमारी जो साड़ी से निकाल दी कि ये लड़की स्कूल से आई, इसकी गला दबा दिए, मेरे बड़े जेठ के सिर में बहुत चोट है, तलवार से देवर को तलवार से मारे हैं, तो उनका सिर में बहुत चोट है और हम लोगों को भी चोट है, ये देखिए चेहरा में दांत में पूरा चोट है, बहुत मारे हैं सर, हम कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं और प्रशासन हमारी विनती सुने। और ये लोग कल्याण संगठन के सदस्य हम लोग हैं, हमारे अध्यक्ष कमल सिंह राठौर तीन बार सीमांकन करवाते हो गए, सीमांकन के बावजूद भी हमारे पिलर को इन्होंने पुलिस बल के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा गठित टीम गई, वहाँ मौके पे ना हुआ, इन्होंने पूरे पिलर को कम से कम 20 पिलर गिरा दिए, उसी बीच में हम लोग अपना मेट डलवा रहे थे वहीं पे, और उसके बीच में कमल आया है और पत्थर से हमला कर दिया है, हमला करने के बाद मौके पे हम वहाँ से आ गए हैं वापस घर, और घर में ये मतलब गाली गलौज करते हुए वहाँ से कम 20 लोगों का टीम समूह मतलब अपन जो है गैंग एक कहना चाहिए, जो कि बाहरी भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, 20 लोगों का टोली वो बना के आए और घर में आके पूरी तरह से हमला कर दिए, जिससे हमारे बड़े भैया और छोटे भैया और हमारी मिसेज हैं भानु प्रिया जी, दीपक राठौर और भाभी जी के ऊपर हमला कर दिया। सवार खेत नब गया है, अब खून का जाली लगा ले, उसके अंदर आप जो भी करना है करो, उस पर हमारे बाल बच्चे रहते घर में मिट्टी मत डालो, ये जबरदस्ती ट्रैक्टर लगाए और घर में कोई नहीं था, मैं भर था और बच्ची थी एक, तो बच्ची को तमाम गाली गलौज करने लगे वो। नाम दीनानाथ सिंह राठौर है, मैं महरोई का हूँ, ये कुंदन भावर सिंह और वही चारों भाई मिल के पप्पू सिंह मेरे भाई कमल के ऊपर जानलेवा हमला किए और गर्दन में तलवार मारे तो छटा तो कान पूरा कट गया, पूरा कान अलग हो गया, मेरे लड़के को भी मारे हैं और ये बोले कि अभी हम और अभी तो बच गए, लेकिन जान से मार देंगे, और अभी यही हम हॉस्पिटल में तब भी इनका लड़का तक भाग के हमारे ऊपर हॉस्पिटल के अंदर भी इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो बीच बचाव किए लोग भाग बचाए, अभी तत्काल भी यही खतरा है, हमारे परिवार के जान को खतरा है, पुलिस हमारे जान की सुरक्षा व्यवस्था बनाए ताकि हमारा लाभ बाल बच्चे सुरक्षित रहें। मारपीट का मामला आया है जिला अस्पताल उमरिया में, उनका उपचार जारी है। अस्पताल महरोई जिला अस्पताल उमरिया में महरोई से दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, कई लोगों के बीच में आपस में मारपीट हुई, जिनका उपचार